वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोना आलम। वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारा ईद शो स्पेशल इस प्रोग्राम का आपको बताने का मकसद साथ में ये है कि अब ये सिर्फ प्रोग्राम हम लोग एक हार्डकोर पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिस्कशन के तौर पर नहीं, लेकिन ईद के रंगों में भी, ईद की खुशियों में भी आपके साथ हैं, आपके शाना बशाना है अपने इस प्रोग्राम के तवज्जो से। मेरे साथ आज ईद के इन रंगों में मेरे जो वैसे जनरल और डेली के पैनलिस्ट हैं और जो हमारे रोज के पैनलिस्ट हैं, जो हमारे साथ पार्टिसिपेट करते रहते हैं, अपनी अरा से, अपने माहिराना राय से हमें आगाह करते रहते हैं, वो तो है ही मौजूद, लेकिन उसके अलावा हमने इस वक्त दावत दी है अपने साथ अपने इस ईद के खसूस पुरमसरत मौके पे बहुत ही और लेजेंडरी और बहुत ही और आइकॉनिक फिगर्स को, जिनसे हम बात करेंगे ना सिर्फ ईद की मुनासबत से, लेकिन साथ साथ ये भी जानेंगे कि ईद के हवाले से उनकी किस तरह की मसरूफियात रहती हैं। आज क्योंकि ईद का पहला रोज है, आज किस तरह से उन्होंने आज हमारे लिए तो वक्त निकाला है, सबसे पहले इसके लिए बेहद मशहूर है उनके, उनसे जैसे बात करेंगे आई एम श्योर कि आप सब जानना भी चाहेंगे कि उस तरह के लेजेंडरी, उस तरह के आइकॉनिक फिगर्स किस तरह से अपने आप को ईद पे कैरी करते हैं और कैसे उनकी ईद के हवाले से मसरूफियात रहती हैं। तमाम जो वॉक्स ऑफ लाइफ हैं उनसे हमारे साथ लोग, हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ फरमा है। इस वक्त हमारा जो पैनल है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और एक ऑलराउंडर पैनल हमें नजर आ रहा है कि इस वक्त मेरे पास मौजूद है, जिनके साथ आपके ईद के पुरमसरत मौके पे, ईद के पहले रोज पे आपके सामने हम हाजिर हैं। और ये तमाम खुशियां जहां पर हम लोग इनकी बात करेंगे, साथ साथ ये भी जानने की कोशिश रहेगी कि इस वक्त पाकिस्तान में हमने देखा कि ईद से पहले भी हमने एक ईद देखी है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 8वें नंबर से पहले मुकाम पर पाकिस्तान ने जीत कर पूरे अवाम के लिए ईद से पहले भी एक ईद की मानद खुशियां पाकिस्तानी अवाम को नसीब हुए। लेकिन इसके साथ साथ ईद का भी मौका जो सामने आया है रमजानुल मुबारक के इस माह के बाद और उस महीने के बाद, ना सिर्फ ईद उस पूरे रमजान का शुक्राना है जो अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के लिए पेश किया जाता है, अल्लाह अपने बंदों को नसीब फरमाता है, लेकिन इसके अलावा एक और इस बात का अजम भी है कि जितने भी रमजानुल मुबारक और इस महीने में जो भी नेकियां, जो भी नेमतें अल्लाह की रहमतें बंदे ने और अपने तमाम हमारे मुस्लिम उम्मा ने कमाई हैं, उनको इंटैक्ट रखना, उनको साला साल आगे बढ़ाना और अपने सीरत में, अपने किरदार में उनको आगे लेकर चलना, उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, ये भी एक ईद का, इस मीठी ईद का पैगाम है। लिहाजा बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे आज मैं, जैसे कि उम्मीद भी कर सकती हूँ कि पैनल को इंट्रोड्यूस कराने से पहले बेहद मुझे खुशी भी हो रही है आप सबके सामने कि इससे पहले मैं आपका बाकायदा तौर पर आपसे पैनल को मुतार कराऊं। मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि इस वक्त काफी फलसफाना और शायराना और एक जो इंटेलेक्चुअल लेवल है हमारे प्रोग्राम का, दैट विल बी कंपेयर टू एंड पैरेलल टू नन। तो सर्टनली इससे पहले कि ये तमाम बातें मैं करूं और इसमें हम लोग मजीद जाने कि ईद के इस मुसर्रत मौके पर कैसे इसके वाकई ट्रू एसेंस को, इसकी स्पिरिट को जिया जा सकता है, मैं बाकायदा तौर पर आगाज करती हूँ और बाकायदा तौर पर बगैर किसी मजीद डिले के अपने पैनल का तारुफ कराती हूँ आप सबसे, ताकि हम इस पे सही से बात शुरू कर पाए और आप सब इन खुशियों में जैसे हमारे साथ हैं, हमारे दीगर भी सेलिब्रिटीज, आइकॉनिक फिगर्स, लेजेंडरी हमारे फिगर्स किस तरह से अपनी ईद की खुशियां मनाते हैं और ईद के मौके पर क्या पैगामात उनके दिल में हैं आप सबके लिए अब बगैर किसी डिले के जानते हैं। हसीना मोइन, द लेजेंडरी हसीना मोइन मेरे साथ पैनल में तस्लीम फरमाए। खैर मुबारक हसीना आपा, बहुत अच्छा और वाकई ईद ही लगती है जब आप जैसे लोग हमारे साथ पैनल में होते हैं। हसीना आपा, वैसे तो आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तानी ड्रामेटिस्ट, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, इंटेलेक्चुअल दानिश्वर, कोई उनके मेरे ख्याल है कोई भी इस तरह का अल्फाज नहीं है, जबकि अल्फाज से खूबसूरत बनाना अपनी बात को और अल्फाज के जरिए खूबसूरती आगे मुंतकिल करना हसीना आपा का फन है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रही कि कुछ अपने मुख्तसर अल्फाज में हसीना आपा को मुतारिफ किया जाए। आप सबसे बहुत शुक्रिया आपा कि आपने हमारा साथ दिया है इस मौके पर। नहीं नहीं, इक्वली वी आर एब्सोल्यूटली डिलाइटेड। सेनेटर सलीम जिया साहब हमारे साथ मौजूद है पैनल में, वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी वैसे तो हमारे साथ हमारे डिस्कशन में भी करते रहे, लेकिन इस ईद के मौके पर इट्स एब्सोल्यूटली डिलाइटफुल टू सी यू सर इस अवतार में। माशाल्लाह लुकिंग वेरी हैंडसम, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैंने आपको इस तरह से पहले नहीं देखा है जो ईद का आपका एक इस तरह से आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए हैं और आपने हमारा साथ दिया है। आपको हार्डकोर बातों में, सियासी गुफ्तगू में बहुत सुना है हमने, लेकिन बहुत इंतजार है कि आपसे जाना जाए कि आप ईद के मौके पर क्या पैगाम रखते हैं और किस तरह से आप ईद गुजारते हैं। सबसे पहले तो बहुत से लोग देख रहे हैं, इतने नाज़रीन हैं, देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं और आप सबको दिल की गहराइयों से
ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। ये बड़ा जबरदस्त दिन होता है, बहुत सफर के बाद, बहुत ही एक कठिन वक्त के बाद, बहुत खुशियों के बाद मौके से मिलने का, एक दूसरे से ईद मुबारक कहने का, खुशियों का इजहार करने का, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा दिन हमारे लिए। बेशक बेशक। और आपसे तफसील से इस बारे में जानेंगे कि क्या आपकी मसरूफियात रहती है, सियासी मसरूफियात के बावजूद भी और अपनी जाहिर है पर्सनल मसरूफियात के बावजूद भी सेनेटर साहब ने आज हमें वक्त दिया है। सियासी तौर पर भी एक उनकी गर्मा गर्मी की फिजा इस वक्त चल रही है और उनके एक इलेक्शन है PS 114 में कराची में, जिसकी वजह से मजीद उनकी सियासी जो गर्मा गर्मी है और मसरूफियात है वो उरूज पर है इस वक्त। लेकिन इसके बावजूद वंस अगेन वेरी ग्रेटफुल सेनेटर साहब के आपने हमारा साथ दिया है इस मौके पर। सीमा गजल साहिबा हमारे साथ पैनल में तशरीफ फरमा है, मुसन्निफा हैं आप, शायरा हैं आप, और आप भी लफ्जों से जो खूबसूरती पिरोना और लफ्जों से खूबसूरत एक तश्कील करने की अब मौके माहिराना फन की मालिक हैं, तो लिहाजा आपसे भी मजीद जो एक गुफ्तगू रहेगी, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपके अशार से भी हम लुत्फानंदोज होंगे और इस मौके पे गजल सुनाएंगे। बिल्कुल, हम मेरा ख्याल है काफी सारे फरमाइश हो गए। अच्छा, मैं ईद मुबारक कह रही हूँ लोगों को। थैंक यू सो मच आप लोगों को, मेजर से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोग सब जो मौजूद हैं और जो हमें देख रहे हैं, हमारी तमाम खुशियाँ, हमारे तमाम दुख और हमारी तमाम जिंदगी आप लोगों से जुड़ी हुई है। हम कतन आपसे अलग नहीं हैं। आपके दुख हमारे दुख हैं, आपके खुशियाँ हमारी खुशियाँ हैं, तो हम उसी वक्त खुशी मनाएंगे जब आप खुश होंगे, और आप दुखी होंगे तो हम दुखी। मेरा ख्याल है सीमा साहिबा इस वक्त तो पूरी कौम पुरमुसरत है और ईद मेरा ख्याल है ड्यूअल ईद है इस मरतबा। इस साल अल्लाह ने बख्शी है, अल्लाह ने इस कौम को नसीब फरमाई है। जितना मेरा ख्याल है अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए नेमतों इन रहमतों के लिए कम है, और इस वक्त ये मौका है इसके लिए सबसे बेहतरीन है। सीमा साहिबा से और भी बातचीत रहेगी, उनकी ईद की भी मसरूफियात के बारे में जानेंगे। हसीना आपा आप बताइएगा, ईद का ये मौका और माशाल्लाह आपने जिस तरह से अपने पूरे ड्रेस की भी मैचिंग की हुई है और जितनी आप इसका माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं, मेरा ख्याल है आप माशाल्लाह इसकी इस तारीफ के बगैर मेरी बात से इनको। हमारी तहजीब में ये है कि चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन ईद बकरीद शादी ब्याह के मौके पर मैंने अपनी वालदा को भी देखा था और अपनी नानी को भी देखा था कि लोग कुछ न कुछ बच्चों की खुशी के लिए भी करते हैं। बिल्कुल। अब जैसे ये चूड़ियां मेरी भतीजी ने ला के जी और हमारी खुशी भी है। हाँ, हमें किसने कहा है कि हम चूड़ियां पहन सकते बड़े होकर। ये हमारी खुशियां हैं और ईद का दिन देखो, एक जैसे तुमने अभी बताया कि एक तो इसकी मजहबी नवीयत है कि हमने 30 दिन रोजे रखे और उसके बाद खुशी का दिन एक आया जिसमें हमने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सब कुछ होता है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि इससे हमारी सकाफत और हमारी तहजीब का अंदाजा होता है। ईद की जो आपका अगर आप किसके भी घर जाएंगी ईद के दिन, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनके घर की तहजीब क्या है, इनकी सकाफत क्या है, इनके बच्चे किस तरह से पल रहे हैं, किस तरह से आदाब किया जाता है, किस तरह से ईदी दी जाती है, और बीवी लेने के बाद आदाब करते हैं वो भी, और फिर बच्चे मुंतजर रहते हैं कि इन्होंने अभी तक दी नहीं तो कब देंगे। ये वाली जो चीज होती है बड़े मजेदार। तो आपसे आपके बारे में पूरे आवाम भी इस बारे में सुनना चाहते हैं, आप ईद अपनी कैसे गुजारती हैं, आपकी क्या मसरूफियात रहती हैं, पहले रोज क्या है हमारे यहाँ। देखो मेरी वालदा बड़ी थी, मेरे वालिद भी बड़े थे, इसलिए सब लोग मिलने उनसे आते थे। आप घर लोग आया करते। अब ये है कि वो नहीं रहे तो अब हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन बन गई है कि सब के सब हमारे घर आते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। मैं मेरे भाई हैं, एक भाई का इंतकाल हो गया, लेकिन ये हम लोग बाकी सब लोग जो हैं तो सब के सब हमारे घर आते हैं। अब उसमें ये होता है कि सब हम उनके लिए तोहफे बना के रखते हैं, वो हमारे लिए तोहफे लेके आते हैं, वो एक्सचेंज होते हैं और उसकी खुशी, बच्चों का चिल्लाना इसको ज्यादा दिया है, हमको कम दिया है, ये क्यों है, तो और खाना होता है। हाँ। ये बहुत सारा दिन की मसरूफियत और रात को आधी रात तक की मसरूफियत वो चलती रहती है मुसलसल, और सुबह जल्दी शुरू हो जाता है या फिर 12 या नहीं, सुबह जल्दी इसलिए शुरू हो जाता है कि नमाज पढ़ के जो मेरे कजन्स है मेरे भाई के साथ, मेरे भाई डॉक्टर हैं डॉक्टर अजीज अहमद, उनके साथ मस्जिद से वो पहले हमारे घर आते हैं और शीर खुरमा होता है, वो शीर खुरमा चख के जाते हैं। वो तो ईद उसके बगैर इनकम्प्लीट है। हमने भी कोशिश की है
कुछ लवाजमात आपके सामने, और मैं चाहूंगी कि ड्यूरिंग प्रोग्राम ऐसा कहीं भी तासुर ना दिया जाए कि ये हमने ऐसे ही रखे हैं या ये प्लास्टिक की चीजें हैं। मैं सजाने के लिए, सुया सजाने के लिए है, बिल्कुल इस तरह का तासुर अल्लाह माफ करे, बिल्कुल नहीं। ईद का ये मौका है और मैं, मेरी ख्वाहिश होगी कि आप सबका मुंह मीठा किया जाए और उसके बगैर आपको यहाँ से बिल्कुल जाने ना दिया जाए। मुंह मीठा करने की कितनी अच्छी बात है जी, का एक तरीका है कि भाई मुंह मीठा किया जाए, इसलिए मीठी चीज जरूर होती है ईद, ईद पे जिसको कहते भी मीठी ईद है, मीठी ईद बिल्कुल। और शीर खुरमा जो लाजमी है, लाजमी है, आपके यहाँ आप बनाती है या थोड़ी हेल्प कर देती है? मैं तुम्हें बड़े मजे की बात बताऊँ, मेरे यहाँ पहले तो वालदा के जमाने में बनता था, नौकर भी बना लेते थे, बहनें बना लेती थी, मेरी बड़ी बहन है, अब सबकी शादियां हो गई, अब मैं एक निकर्मी सी बची हूँ तो मुझे तो बनाना नहीं आता। अब मेरा डॉक्टर भाई जो है वो बनाता है शाम रात को, इतना सारा, इतना सारा। और मुझे चूंकि गर्म चीज अच्छी लगती है इसलिए वो पहले, सबसे पहले एक प्याले में मेरे पास भेजता है कि आप चेक के देखिए कैसा है, बड़ा मजा आता है उस वक्त रात को खाने में, इसकी चांद रात को जी, में जी, हाँ। फिर वही शीर खुरमा जो है वो सर्व किया जाता है अगले दिन। लेकिन आपके यहाँ माशाल्लाह आपके भाई है एक्सपर्ट जो शीर खुरमा बनाते हैं, बहुत जबरदस्त, और लोगों को पसंद आता है, लोग बड़े फैन है, बहुत जबरदस्त। ओ माय गॉड, अच्छा देखिए ये ब्रिलियंट, इस तरह से स्टीरियोटाइप तोड़ने वाले मर्द हजरात बड़े हमें वैसे भी अच्छे लगते हैं। आपा आपके माशाल्लाह इस तरह की आपकी तश्कील है, और पीटीवी ने मेरे हिसाब से जो अपना खास तौर पर ड्रामों की तश्कील को लेकर जो अपना पीक गोल्डन एरा है वो हसीना आपा के तश्कील किए उनके लिखे हुए ड्रामों की ही वजह से, चाहे वो उनकी हो और बेशक बेतहाशा बापा के ड्रामे, जेर जबर पेश, तन्हाइयां एंड व्हाट नॉट, ये तमाम, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी कि ईद के मुनासबत से अब जो प्लेज लिखे जाते हैं उनके ऊपर, आपने जब लिखे थे? एक बात मैं बताऊं, हैप्पी ईद मुबारक। पीटीवी पे मेरा सबसे पहला जो एंट्री हुई थी वो ड्रामे से हुई थी, ईद का प्ले, ईद का प्ले था, हैप्पी ईद मुबारक जी जी जी, जिसमें नीलोफर थी और शकील थे, और वो इतना हिट हुआ कि बाकायदा उन्होंने हमारे एमडी ने प्रोग्राम किया छोटा सा, सबको बुलाया और हम लोगों को तोहफे दिए, छोटे छोटे लिफाफों में 200 रुपए रखे, अच्छा, और हम लोग इतने खुश थे कि वो ये नाम मिला है, ये व्हाट एन आइडिया, उन्होंने ईदी दी है आपको, ईदी दी। अच्छा आपसे इस बारे में भी बात रहेगी कि ईद के मुनासबत से पैगाम क्या रखे जाते हैं या किस चीज को मद्देनजर रख के अपनी स्क्रिप्ट आप तश्कील करते थे? सेनेटर साहब, एक तो PS 114 के इंतखाबात के लिए आपको पहले से आपको ऑल द बेस्ट, और अल्लाह करे कि आपका तमाम जो कोशिशें हैं वो रंग लाएं इस मौके पे। बताइएगा घर की मसरूफियात, वो फिर अपनी जगह, फिर इस्लामाबाद, कराची, आप तो जाहिर है इन दोनों शहरों के बीच में ही बस आपकी ट्रैवल रहता होगा और बहुत रिगरस किस्म का, ईद के मौके जो होते हैं आपको लगता है आपको ब्रेक मिलती है? इस मरतबा आपको ऑनेस्टली बताइए, आपको ब्रेक मिली है? ऑनेस्टली तो नहीं, ऑनेस्टली ना पूछो, ये तो गपशप ही है सारी, लेकिन अच्छे मौके के लिहाज से कहना पड़ता है कि देखिए मेरा सच बात है कि ईद के मौके पे पूरी कोशिश करके होती है कि घर पे ईद मनाए जी, ईद की लिए थोड़ी सी सेक्रीफाइस भी देनी पड़ती है, टाइम भी देना पड़ता है, और फिर ये कि आमतौर पर शुरू वही होता है कि सुबह फजर की नमाज है, फिर ईदगाह पर जाना है, पहले से पता करना पड़ता है कौन से, ऐसे तो हम एक ही जगह पर ईद पढ़ते हैं, हमारे घर के नजदीक जो है डिफेंस में, फिर वहां पर बहुत अच्छा मौका होता है, बहुत सारे लोगों को से मुलाकात हो जाती है नमाज के दौरान, नमाज के बाद जो ईद का मौका होता है उस पर बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं, गले मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं, और इसी बहाने बहुत अच्छा मौका मिल जाता है लोगों से रबते का। फिर उसके बाद आप लोगों को तो हजारों लोगों से गले मिलना पड़ता होगा। जी 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 जी, और ज्यादातर उन लोगों को ज्यादा शौक होता है गले मिलने का जिनके कद बहुत छोटे होते हैं, और माशाल्लाह जी, लाइट एंड नोट दैट इज वेरी नाइस ऑफ देम, सब लोग गले भी मिलते हैं, हम भी लोगों से खुद कदम बढ़ाकर गले मिलते हैं, लोगों को ईद मुबारक देते हैं, क्योंकि यही लोग हैं जिनकी वजह से हमें इज्जत मिलती है, हमें मुकाम मिलता है, तो ज़ाहिर है तो उनके बहुत मशहूर हैं। फिर ईद की नमाज के बाद फिर हमने काफ़ी अर्से से ये रखा हुआ है, बहुत ज़्यादातर लोग यही करते हैं, मर्द हज़रात यही करते हैं कि नज़दीक कब्रिस्तान है वहाँ जाते हैं,
अपने बुजुर्गों की अपने जो है उनकी कब्रों पे जाकर फातिहा करते हैं, दुआ करते हैं और उसके बाद फिर घर आकर पहला काम वही करते हैं जो आपने कहा शीर खोरमा तैयार होता है। आपके यहाँ कौन बनाता है शीर? मेरी अहलिया जो है वो बनाती है शीर गुट को, तो वो आमतौर पर रस्मी तौर पर थोड़ा सा लिया जाता है, हम जैसे लोग दो चार प्लेटें। आप मीठे के शौकीन है सलीम साहब? शौक है मगर मैं उसको जरा कंट्रोल करके जी जी, मगर वो मुझे शीर खोरमा बहुत पसंद है तो मैं दो तीन दफा भी ले लेता हूँ, कई दफा ऐतराज भी हो जाता है, भाई ये रस्म चीज है सब चीजें बनाई है। मैम के शीर खुरमा की आपने ऑन एयर तारीफ की है, आपको इसके लिए बोनस क्रेडिट मिलना चाहिए। मिलेगा जी, ये तो शीर खुरमा आपको इसके लिए अलाउ कर देना चाहिए। और उसके बाद बस फिर वही रूटीन जो है लोगों के पास जाना मिलना, दोस्तों के पास, बुजुर्गों के पास, बड़े जो लोग हैं और खासतौर पर जो बीमार है उनको जाकर तमारदारी करना, या जिनके यहाँ वफात हुई भी होती है उनके घर पे उनके यहाँ जरूर जाना पहली ईद होती है। यहाँ भी होता है जी वफात हो जाती है तो उनके यहाँ जरूर जाना ये करती थी कि शीर खुरमा लेके उनके घर जाती थी और उनको खिलाती थी। उनकी तो ईद नहीं होती है, उनके पास जाते हैं, उनसे जरा आजार हमदर्दी करते हैं, फातिहा करते हैं और उनसे उनका एहसास कराते हैं कि ठीक है वो चले गए लेकिन हम मौजूद हैं, तो ये एक चीज है। फिर घर आकर ज़ाहिर है फिर वो खाने का सिलसिला है, मेहमानों के आने का सिलसिला है, हमारे उनके पास जाने का सिलसिला है, वो दिन भर चलता रहता है। फिर मेरी कोशिश होती है नहीं पड़ता होगा बेगुमास से बहुत एक आया गया बर्तन उठाओ वो वहाँ पर जी जी जी। फिर कोशिश ये होती है कि किसी न किसी जगह इसके बजाय कि लोग हमारे पास इतनी तादाद में आए और उनको तकलीफ हो तो हम एक जगह पर ईद मिलन भी रख लेते हैं, ईद के पहले दिन या दूसरे दिन मैं जरूर रखता हूँ ताकि उसमें लोग वहाँ आ जाए और फिर वहीं पर आकर उसे ईद भी मिला। और ये सिर्फ फैमिली की होती है या दोस्त अकारिब सारे? ईद जो अजीज अकारिब के साथ है वो तो घर पे हो रही होती है, सारा दिन ही चल रही होती है, उनके साथ कोई टाइम हो नहीं सकता है। बहन है, भाई है, अजीज अकारिब है, रिश्तेदार है, वो तो आते रहते हैं, उनके साथ कोई टाइम नहीं है। लेकिन जो हमारे सियासी लोग हैं, सियासी कारकुनान हैं, पार्टी के लोग हैं, दीगर पार्टीज के भी लोग हैं, हम सबको दावत दे देते हैं। ये वैसे आपसे पूछने वाली बात थी क्योंकि हमने आपको नाज बलोच साहिबा को हमने बुलाया था कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की नुमाइंदगी करती, वो होती तो मैं जरूर आपसे पूछती कि क्या आप इस मौके पे वो थोड़ा मैं आपकी सियासी गर्मा गर्मी को थोड़ा कूल डाउन करने की हमारी कोशिश रहती। सियासी बहुत अच्छी कलीग है, हमने एआरडी में साथ काम भी किया है, वेरी वोकल पर्सन। वेरी देखिए मैं कहता हूँ आदमी किसी भी पार्टी में हो, ए बी सी डी ई एफ किसी, पर उसके साथ वो पूरा अगर मुकम्मल तौर पर उसके साथ रहे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बहुत ज्यादा है उनके साथ, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि नाथ मनोहर साहब अपनी पार्टी के साथ जो है वफादार है, अपनी पार्टी का जो मौकफ है वो अपने बयान करती रहती है, उनका एक अपना स्टाइल है, अपना एक खास मखसूस अंदाज है। हाँ। तो गुड लक टू हर, मैं समझता हूँ अपना काम करती रहती है। लेकिन आप मिलते हैं जैसे आपके बाकी जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या पीपल्स पार्टी? जी, बहुत सबसे मुलाकात। अगर आपकी किसी टॉक शो पे उनसे तल्ख कलामी या गर्मा गर्मी हो जाए तो फिर भी अगर आप ईद पे मिलेंगे आप उनसे अच्छे से मिलेंगे? नहीं नहीं, ये मैं आपको बता दूं, ये जो तल्ख कलामी आप देखते हैं ना ये जो टॉक शो हो जाती है राज नहीं करना चाह रहा था, पर उसमें थोड़ा सा ये होता है कि उसी हद तक होता है बाहर निकलते हैं। फिर जाहिर क्योंकि देखें हमारा तो काम सारा दिन है लोगों की तनकीद बर्दाश्त करना या तनकीद करना, तो हमें हमारे सिस्टम में आ चुका होता है कि बुरा नहीं मानना है। किसी ने कोई सख्त बात कह भी दी है तो ठीक है उसको थोड़ा सा जवाब भी दे दिया, अगर उतनी सख्ती से नहीं तो एक जवाब दे दिया, लेकिन उससे आगे का ये नहीं होता कि दुश्मनी हो गई है, नाराजगी हो गई है, इससे बात नहीं करनी है, इससे देखना नहीं है, नहीं वो नहीं होता, मिलते रहते हैं। माशाल्लाह हसीना आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्रामा निगार हैं तो उन्होंने सबसे पहले पकड़ लिया है। बिल्कुल सही कहा, क्या बात है, किसी हद तक होता है जी, मगर ये कि फिर बाद में जो है वो मिलते भी है उससे भी है, वो सारी बातें लोगों को लगती है। अभी जैसे हमारा ये इलेक्शन आ रहा है तो आप सबको प्यार होता है ना, चाहे आप किसी भी पार्टी के हों कहीं के भी हों, अपने मुल्क अपने अपने आपका विजन अलग है, आपकी सोच अलग है, लेकिन आपका मकसद तो एक ही है ना कि आप यही चाहते हैं। बार बार जिक्र कर दिया और अच्छा 14 का इलेक्शन हो रहा है तो कल ही हम निकले हुए थे राउंड पे, तो हमारे जितने सियासी मुखालफिन के कैंप थे हम तो वहाँ रुके,
उनसे सलाम दुआ भी की, तहरीक इंसाफ के भी थे, पीपल्स पार्टी का भी कैंप था वहाँ भी गए, एमकेएम का कैंप था वहाँ भी गए, सबसे हमने बातचीत भी की, गपशप भी लगाई और काराफियत की। तो वो ऐसा कई दफा लगता है कि दिन की बहुत सख्त राज हो गई, बस ये बाहर निकलेंगे तो सर फाड़ देंगे शायद, वो सिर्फ मैं समझता हूँ इतना नहीं होता तो वहीं तक। लेकिन बस हमारे आवाम भी अब बाशऊर हो गए, उनको भी अब पता है कि क्या चीज किस किस एक्सटेंट तक है, और ये बात आगे रहेगी भी ड्यूरिंग द कोर्स। हम इसके ऊपर मेंटालिटी भी इस तरह की है कि आप चाहते हैं थोड़ा गर्मा गर्मी देखना, अब लोगों को भी पसंद आ गया है वो थ्रिलर्स देख देख के। जी होते हैं ना, हाँ, वो उस तरह के पहले तो सिर्फ अमेरिकन थ्रिलर्स के, अब माशाल्लाह हमारे लोकल थ्रिलर्स उनको आउट नंबर कर चुके हैं। कई लोग तो हमारा मजाक वो कहते हैं कि हमने ड्रामे देखने छोड़ दिए हम ये, अब आप हम ये देखते हैं ये लाइव ड्रामा, ये लाइव ड्रामा है और उनको ये नहीं पता कि वो भी लाइव ड्रामा नहीं है। सच्चे सीमा गजल साहिबा, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत साड़ी में आप मलबूस और खूबसूरत जेवरात, खूबसूरत जेवरात। और अच्छा सीमा साहिबा ये बताइएगा, साड़ी थोड़ा सा एक रेयर ड्रेस है, लेकिन आपको माशाल्लाह जब भी देखा है हमेशा आप बहुत अच्छे से इसे कैरी करती हैं। आपको वैसे भी ईद पे भी आपकी यही मर्जी रहती है जो आपकी, जैसे अभी आपने बिल्कुल मेरे ख्याल में शायद मुझे किसी ने कम ही देखा होगा साड़ी बगैर भी, जैसे आप अभी भी हमारे साथ हैं, आपने साड़ी और इस ड्रेस का इंतखाब किया है। अच्छा अच्छा ड्रेस है, और हमारे खानदान में बहुत औरतें हैं, बहुत खवातीन हैं जो साड़ियाँ पहनती हैं, और देखिए साड़ी बहुत आसान अगर आनी आती हो ना बांधनी, जी जी, तो कैरी करना भी ट्रिकी है, तो कैरी करनी आएगी तो आप कैरी कर सकेंगे ना। बाद लोगों को मैं देखती हूँ उन्हें बांधनी नहीं या बांधनी नहीं है, तो मुझे उलझे उन्होंने लगती है किसी को देख के कि मैं उनसे कहूँ कि बात तो नहीं उसको ठीक कर ले, तो इस वजह से वो कैरी नहीं कर पाती क्योंकि उनको बांधने का नहीं पता, नहीं पता उनको, नहीं पता पल्लू क्या करना है, पकड़ना है, इधर से उनकी चाल खराब हो जाती है। और आपका जैसे आप आसानी से बासानी आप कैरी भी करती हैं और पूरे दिन की आपकी जो भी मतलब बड़ा ग्रेसफुल ड्रेस है, इट्स अ वेरी ग्रेसफुल ड्रेस, बट ओनली इफ यू नो आप हाउ टू कैरी इट ना, दैट इज द की, यूज्ड टू है ना। हमारे घर में तो मेरी वालदा तो साड़ी के अलावा, साड़ी अगर आ रहा है अलावा पहने ही कुछ नहीं, हम लोगों ने भी हमेशा साड़ी मौके पे शादियों वगैरह पे तो साड़ी पहनती है। ये बड़ा टिपिकल सब कॉन्टिनेंटल ड्रेस है, टायर है सारे। अच्छा एक प्रोग्राम हुआ था हमारी किसी सीरियल का प्रेजेंटेशन था, तो दिसंबर में था, कार्टन होटल के ओपन उसमें था, ओहो सर्दी बहुत थी, हवा बहुत थी, मैं मेरी हिम्मत नहीं हुई साड़ी बांधने की, मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो मैं मेरे लिए से मैंने कहा आप चले जाए, मैं नहीं जा रही, कहते नहीं तुम्हारी सीरियल का प्रेजेंटेशन है चलो, तो मैंने वेलवेट की शलवार कमीज पहन ली, मैं चली गई, कहीं माइयों यूँ गुजर गए, फर्जी भाई यूँ गुजर गया, या फिर पीछे जाके मेरे फर्जी को थप्पड़ लगाए, मैंने कहा बात सुनो तुम लोग सलाम भी नहीं करे हो, अरे यकीन करें आप ऐसे उछला नहीं आप नहीं 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 जाएगा, इतनी आती हो गए, इतनी आती है कि वो सोचते हैं कि मैं साड़ी में ही होंगी, तो वो माशाल्लाह खैर आपकी एक पहचान है। सीमा पर वैसे भी ईद से मुतालिक आपकी भी जो जितना काम रहा है या आपकी भी जितनी राइटिंग्स हैं, आपकी जितनी इस पे जो आपके पेन के महारत है जो कि ईद की मुनासबत से आपने की हो, ईद पे मैं वैसे भी आप सबसे आई एम कीन टू नो एंड आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी ये बात जानना चाहेंगे, ईद पे क्या मखसूस पैगाम रखे या आप अपने ऑडियंस को या अपने रीडर्स को जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने ऑडियंस को अपने ड्रामों के जरिए या करना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को, सॉरी न सिर्फ ईद पे, मतलब हमारी राइटिंग का, तहरीर का, बोलने का और शायरी का हर चीज का सबब जो है ना और मकसद जो है ना वो ये है कि हम मोहब्बत की तरफ बुलाते हैं। जिंदगी बहुत थोड़ी है, आपको नहीं पता आज यहाँ है कल मैं नहीं हूँ, तो नहीं पता इसको जाया नहीं करें, खुश रहिएगा तो खुश दूसरा भी रखेगा, आप दूसरे को खुश रखेंगे तो आप भी रहेंगे, बिल्कुल, तो तय कर लीजिए कि आपको खुश रहना है, आप दूसरे के लिए ना सोचिए अपने लिए सोचिए कि आपको खुश रहना है, आप जब अपने लिए सोचेंगे कि मुझे खुश रहना है तो मैं इन्हें बुरा नहीं कहूंगी,
ये मुझे थप्पड़ नहीं मारेंगे, आप मुझे चुटकी नहीं काटेंगे, क्योंकि आप सबको खुश रहना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर कोई ऐसा करेगा तो वो पलट के बातें भी सुनेगा। हाँ, बिल्कुल। बैठक भी करेगा जी। तो मुझे नहीं, मुझे सुकून चाहिए। इससे खूबसूरत मौका वैसे कोई नहीं हो सकता था ये बात करने का। आपने माशाल्लाह इतनी प्यारी बात की है। करनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि हम पॉजिटिव थिंकिंग मतलब ये सब नहीं है, अच्छी बात है। हाँ, मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। दो जुमले आप अच्छी तरह से बात कर लेंगे, आपके अपने अंदर इतना सुकून चला जाएगा, आप खुद इतना खुश हो जाएंगे कि आप के अंदर वो बातें नहीं, मतलब नेगेटिविटी नहीं रहती। नहीं, आप देखिए ना, हम ये बात ऑफ एयर कर रहे थे, आप आए उससे पहले हमारी वैसे भी ऑफ एयर एक डिस्कशन जारी था कि ये कितना करने की भी कोशिश की जाती है ना। एक तो ये है कि आइडियली आप चाहते हैं कि इस तरह से चीजें हों, ये पैगाम हम लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन ये कितना पहुंचाया जा रहा है। इसके बरक्स दूसरी सिचुएशन भी आप देखें, पेसिमिज्म, नेगेटिविटी और मनफी एक जो सोच है वो भी कितना आप देखें इस तरह के अनासर हैं। अभी आपने कहा टॉक शोज हो रहे हैं। जी जी, टॉक शोज उन पे गर्मा गर्मी होती है और उसके बाद बाहर आके आप कुछ भी नहीं। हाँ। तो आप गर्मा गर्मी क्यों कर रहे हैं? आप वीवर को क्यों हाइपर कर रहे हैं? हाँ। आपको हक नहीं, अगर आप बाहर जाके कुछ नहीं करते, सॉरी टू से, अगर आप बाहर जाके एक हैं तो आप देखने वालों तक क्या पैगाम पहुंचाएं? देखिए ना, वो हाइपर क्यों कर, देखिए तनाव नहीं, मेरा कहने का मतलब एक नहीं है, सिर्फ वो जो गर्मा गर्मी है वो वहीं तक है। एग्जैक्टली, तमीज के दायरे के अंदर है, बाहर निकल के, क्योंकि हम मेच्योर लोग हैं। हाँ। तनकीद भी करते हैं, तनकीद करने की बर्दाश्त भी आ जाती है, तो बाहर निकल के ये नहीं कि नहीं जाते हुए हाथ नहीं मिलाना है, कुटी हो गई, वो बात नहीं है। आप सही कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ हमारे सब में, न सिर्फ सियासतदानों में, हम सब में बर्दाश्त नहीं रही है। हमारे अंदर बात करने का सलीका नहीं रहा। हम एक बहुत गुस्से वाली बात बहुत तकलीफ से कर सकते हैं। हम अपने आप आजकल के ड्रामे देखिए, उसमें भी बर्दाश्त, वो बदतमीजी कर रहे हैं, बदतमीजी हो रही है, कितनी खराब जा रही है। बिल्कुल। और आपा उर्दू खराब हो रही है, जबान खराब हो रही है, उर्दू खराब हो रही है। देखिए, आप अगर लोहार का काम आप बार्बर को दे देंगे, अगर आप दर्जी से बाल कटवाने लगेंगे तो उसका यही असर होगा। जी, ये जो बातें हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक कमर्शियल ब्रेक की जानेब बढ़ते हैं। मुझे इस वक्त ये पूरी गुफ्तगू को इस पॉइंट पर रोकना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये इतनी ही थ्रिलिंग, इतनी इंटरेस्टिंग ब्रेक के उस पार भी रहेगी, लिहाजा हमारे साथ रहिएगा। कल्चर को मुतारिक कराने वाले अधिकारी फोर ब्रदर्स ग्रुप की जाने से ऐसे पाकिस्तान को ईद मुबारक। पाकिस्तानी ज़राअत में स्मार्ट एग्रीकल्चर को मुतारिक कराने वाले अधिकारी फोर ब्रदर्स ग्रुप की जाने से ऐसे पाकिस्तान को ईद मुबारक। पाकिस्तानी ज़राअत में स्मार्ट एग्रीकल्चर को मुतारिक कराने वाले इदारे फोर ब्रदर्स ग्रुप की जानिब से ऐसे पाकिस्तान को ईद मुबारक। पाकिस्तानी ज़राअत में स्मार्ट एग्रीकल्चर को मुतारिक कराने वाले इदारे फोर ब्रदर्स ग्रुप की जानिब से ऐसे पाकिस्तान को ईद मुबारक। वेलकम बैक टू डिस्कशन। यहीं पर हमारी ईद की जो ये खुशियां हैं वो तो जारी और सारी हैं, लेकिन एक बात है जिसका तस्करा करना जरूरी होगा कि जहां पर हम लोग बात करते हैं कि ईद की खुशियों में हम अपने अवाम के, आप सबके साथ हैं और हम शाना बशाना हैं आपके, वहां पर जो उस तरह के लम्हात आते हैं जहां पर हमारे कौम को, हमारे अवाम को दुख का सामना, दर्द, तकलीफ का, तकालीफ का सामना होता है, उनका भी तस्करा करना है इन मौाक़ों पर, इस तरह के मौके पर बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये तस्करा करें कि हम उनके दुख में भी उनके साथ बराबर के शरीक हैं। लिहाजा सेनेटर साहब भी इस
बात का तस्करा कर रहे थे अपनी गुफ्तगू में कि ईद को और इस मौके को इस्तेमाल किया जाता है। हसीना आपा ने भी बताया कि किस तरह से जो जिनके अजीज, जिनके अकारिब या रिश्तेदार उनसे जुदा हो गए होते हैं और अब इस वक्त दुनिया में नहीं है, उनके बाद उनकी पहली ईद होती है तो उनको जाके ग्रीट किया जाता है, उनके घर शीर खुरमा लेके जाया जाता है। सीमा गजल साहिबा से ब्रेक से कबल भी हमारी ये बात जारी थी। अब बताइएगा सीमा साहिबा, एक तो हम खुशी में भी हमने अपने नाज़रीन को बताया है कि हम उनके साथ हैं और हम उनकी इन खुशियों में शरीक हैं, लेकिन अगर इस मौके पे आप समझती हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं या हमारे आवाम के कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि दुख तकलीफ में मुब्तला हैं। दो दिन पहले हुआ, ईद से दो दिन पहले वो बहुत बड़ा सदमा था। मतलब किसी एक आदमी का भी कत्ल हो जाना या हलाक हो जाना पूरी सदमे की बात है। और जो दहशतगर्दी हो रही है, बहरहाल हमारा हमारी गवर्नमेंट, हमारा हमारी फौज कर रही है, बहुत से लोगों को बचा लेती है, कुछ लोगों को नहीं बचा पाती। वो ये हो रहा है तो हम उनके दुख में शरीक हो सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हमारे पास और कुछ मतलब हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तो हम उन सबसे उन सबके दुखों में शरीक होना चाहेंगे। खुशियाँ एक तरफ हैं और मैंने आपसे कहा था कि दुख और खुशियों में हम बराबर के शरीक हैं। बिल्कुल, जैसे यही वाली बात है और इस वक्त सेनेटर साहब भी हैं, आपकी भी प्रेजेंस से सर मुस्तफीद होने वाली बात है कि किस तरह से इन चीजों को देखें, चीजें बेहतर हुई है, नन द लेस चीजें बेहतर है। सीमा साहब आप देखें अभी भी हम लोग अगर हाँ थोड़ा सा बेहतर है मामला, तो लिहाजा क्या ये उसी का बैकलैश है या फिर अमूमन जिस तरह से सियासी तौर पर भी हम सुनते हैं कि एटलीस्ट हुकूमत की तरफ से ये बात की जाती है कि उनकी आखिरी सांसें हैं, ये वो आखिरी सांसें ले रहे हैं। मैं आऊंगी सेनेटर साहब आपकी तरफ भी कि आप इस पर मजीद रोशनी डालिए। हसीना आपा, इस तरह के जो अनासर है जिससे ब्रेक से कबल भी हम जो बात कर रहे थे, सीमा साहब अभी बता रही थी नेगेटिविटी, आपका क्या पैगाम होता था, आप किस क्रक्स पे फोकस करती थी, आपका जैसे हैप्पी ईद और मैंने कोई 45 सीरियल्स लिखी हैं, हर एक का मकसद, हर एक का मैसेज ये होता था कि आप खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। और जिंदगी छोटी सी है हमारी, इस जिंदगी की एक एक घड़ी आपको समेटना पड़ती है। देखो खुशियां जो हैं वो हमारी दहलीज पे आके सितारों की तरह नहीं गिरती, इसे हमें चुनना पड़ता है, चुन चुन के लाना पड़ता है। तो आप दूसरों को ये पैगाम दें कि ये जो छोटी छोटी खुशियां आपको मिल रही हैं, ईद जो है अभी इसमें बाद लोग सो जाते हैं, वो कहते हैं क्या ईद है छोड़ो, तो हम बार बार ईद का ड्रामे, मैंने कितने ड्रामे लिखे हैं, कोई 8-10 ड्रामे मैंने ईद पे लिखे, उसमें हर एक में ये मैसेज होता था कि भाई ईद है हमारी, इसको खुशी से मनाओ, किसी को फायदा पहुंचे, किसी को प्यार दो, किसी को बुलाओ, खुशियां दो, रूठे हुए लोगों को मनाओ। ये कितना जरूरी आंसर है, आप इस पर रोशनी डालिएगा, रूठे हुए लोगों को मनाना ईद पे। फिर भी आप देखें आप अपने अना की गिरफ्त में, हमारी तहजीब में, ये हमारी तहजीब में है कि अगर मौका कोई ऐसा आ जाए, ईद बकरीद का या शादी ब्याह करा देते हैं, सबसे पहले उन लोगों को मनाया जाता है जो रूठे हुए होते हैं। जी, हमारे यहाँ एक सिस्टम बन गया है कि लोग ऐसे मौकों पे नाराज हो जाते हैं तो फिर जाके उनको मना के लाया जाता है। तो ये तरह का प्यार है, बस इलेक्शन के वक्त भी मनाना पड़ता है, इलेक्शन के वक्त भी मनाना पड़ता है। अच्छा सेनेटर साहब, ईद क्या सिर्फ खवातीन का त्यौहार है, लोग कहते हैं मर्द हजरात भी ईद के ऊपर एटलीस्ट वेन इट कम्स टू अपने आप को बनाना संवारना, कपड़े अच्छे पहनना, मैचिंग करना, आपके वॉच, आपके वॉलेट, आप करते हैं ये लवाजमात, आप आपके आपने किया हुआ, आपने किया हुआ तो है या माशाल्लाह लुकिंग लवली, आपने आपने पूरी टक्कर दी है पूरे खवातीन पैनल को इस वक्त। मैं बड़ी देर से सोच रहा हूँ कि आप तीनों ने एक दूसरे की बड़ी तारीफ की है, मेरे लिए भी कुछ कमेंट्स लीजिए। मैं सोच रहा था मैं कैसे तारीफ करूँ, बस एक बात कहना चाहता हूँ, आप माशाल्लाह तीनों बहुत ग्रेसफुल, बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त ईद के दिन आप लोगों ने जबरदस्त अपने मुनासबत से जो ड्रेसिंग की भी है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सारे आप। तो सलीम साहब आपका क्या रहता है, आप करते हैं आप, आपकी सारी मैचिंग वगैरह मैडम करती हैं जाके आपके लिए? तो खैर सबका शौक होता है, खवातीन का शौक होता है, मेरी बेटी का बहुत शौक है, वो बहुत करती हैं शौक, अपने बच्चों के लिए, बेटी है उनकी, उसके लिए इतनी शॉपिंग कर रही होती है, उनके लिए वो ड्रेस बनाना, जूते लेना आ रही हो, तो खवातीन में ज्यादा, मर्दों में जरा कम होता है, मर्दों में जाहिर है क्योंकि तो मर्द चाहते हैं बस ठीक है ईद के दिन अच्छा सलवार कमीज सिलवा लिया, जैकेट ले लिया, जूते ले लिए, ज्यादा
खवातीन की तो बहुत लंबी लिस्ट होती है ना, उसमें मेहंदी की मेहरबानी है, होता है मेहंदी भी है, चूड़ियां भी है। हमें तो पता नहीं होगा जो हमारा बचपन था उसमें और ज्यादा इतना हमें मजा आता था कि रात ही को हम सब बहुत सारे भाई बहन माशाल्लाह भाई बहन तो सबके जोड़े चूड़ियां जेवर सब एक टेबल पे रख दिए जाते थे और रात को हम उठी सारी रात नहीं होगी सारी रात जाते थे। बड़ा मजा आता था उसमें कि सुबह उठ के, मगर फिर वो मेरी बड़ी बहन जो है सबसे उनको बड़ा शौक था, मैं छोटी थी उस वक्त सजाने बनाने का टीका भी लगा दो ये, मैं चीखे मारती थी मैं टीका नहीं लगवाऊंगी। फिर उसके बाद अम्मा से फरियाद की जाती थी, फिर अम्मा कहती थी रहने दो अच्छा रहने दो। ये इतना मजा ज्यादा था। ये मेहंदी लगाना घर पे कोई आपके है कोई मेहंदी एक्सपर्ट जो मेहंदी लगाता है बहुत अच्छी आपके बचपन में? मेरी भतीजी जो है उसको उसने आर्ट कॉलेज से पढ़ा है, जिसने आपकी चूड़ियां मैच की है? नहीं ये तो दूसरी वाली, ये दूसरी वाली छोटी है, हाँ। वो बड़ी है, वो माशाल्लाह शादी भी हो गई है उनकी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत मेहंदी लगाती है क्योंकि आर्टिस्ट भी है। जी जी जी, वो तो मेरे भाई भी आर्टिस्ट है, दूसरे भाई भी आर्टिस्ट थे, उनका बेटा भी आर्टिस्ट है माशाल्लाह, इसलिए माशाल्लाह वो तो वो डिजाइनिंग का तो फन रन्स इन द जीन्स। अच्छा सलीम साहब, आप ये मेहंदी लगाना और जिन लवाजमात की आप बात कर रहे थे इतनी बड़ी लिस्ट होती है खवातीन की, तो ये पूछना चाह रही हूँ मेहंदी लगाते हैं? नहीं, आप मदद करते हैं, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप वहाँ पर ले जाना मेहंदी लगाने के लिए पार्लर में इंतजार करना बाहर, सच बात करनी पड़ेगी क्योंकि ऑन एयर है। पहले बात ने फंसा दिया है आपको सर, शादी के शुरू के अरसे में तो किया है ये सारी ड्यूटीज की जी। मेहंदी के वक्त भी बाहर गाड़ी में बैठे रहना, पार्लर के वक्त भी जाना तो बाहर बैठे रहना, बहुत काफी अरसे तक किया। मैचिंग चूड़ियां दिलाना, ये सब चीजें, तारक रोड जाना उसके लिए बाहर गलियों में बैठे रहना, वो सब ड्यूटियां की है, काफी अरसे तक की है और अच्छा भी लगता था। भाई ठीक है, चलो घर वाले हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, कजन्स हैं, उनको लेके जा रहे हैं, और एलिया है साथ उनको लेके जा रहे हैं, बहनों को लेके जा रहे हैं, तो ये ड्यूटी की है। मगर अब कुछ अरसे से 10-12 साल से एग्जेम्प्टेड है क्योंकि बच्चे, अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, बच्चे बड़े हो गए। शायद ये बात हुई है कि आजकल हालात ऐसे हो गए कि लोग कहते हैं नहीं चांद रात को नहीं जाओ बाहर, नहीं जाओ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, वी मस्ट टॉक अबाउट दिस, ये लोग मना करते हैं कि मजबे में मत जाओ, मजबे में मत जाओ। लेकिन अब तो जरा कुछ अरसे से बेहतर है हालात, लोग जाते भी हैं निकलते भी हैं, बट बहुत अरसे तक ये रहा, बिल्कुल आप 100% सही फरमा रही हैं। पिछले साल ईद पे हमने देखा रिकॉर्ड शॉपिंग सीमा पर, रिकॉर्ड शॉपिंग कराची में हुई है और ईद के मौके पे पिछली ईद पे हमने बहुत ओवरवेलमिंगली देखा, लोगों ने बाहर निकल के शॉपिंग की और सारे दुकानदार बड़े खुश, सबकी चांदी चांदी। क्या ये जो सारी रौनकें हैं और खासतौर पे कराची रौनकों का, रोशनियों का शहर, यहाँ पर लौटने वाली अब उस पूरे पेस के साथ फुल फ्लेश्ड कब लौटेंगी? आपका ताल्लुक कराची से है? मैं समझता हूँ कि देखिए हमने बहुत रास्ता तय कर लिया है अच्छे माहौल की तरफ, जिसमें तो आपको पता है आप भी कराची, तीनों कराची हमने देखा हुआ कराची। मुझे याद अब तक एक अंग्रेजी अखबार की हेडलाइन थी, उस दिन 400 लोग मारे गए थे, 400 लोग, बिल्कुल वो हालात भी देखे और बहुत ज्यादा दर्दनाक किस्म की किलिंग्स भी देखी, टारगेट किलिंग भी देखी, बम ब्लास्ट भी देखे, रोजाना के बम ब्लास्ट देखे रोजाना के, और लाशें भी देखी और बहुत दर्दनाक सीन भी देखे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब तो वो हालात नहीं रहे। मैं मौके पर समझता हूँ कि ये जो ऑपरेशन हुआ उससे बहुत फर्क पड़ा, और उसके बड़े फर्क पड़ने की ये भी वजह थी कि ये कलेक्टर था। कई लोग ये होता है वो अच्छा काम करने जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि बस मैं अकेला ही कर लूंगी, उसमें कई दफा तो उनको कामयाबी हो जाती है, लेकिन उस तरह की नहीं हो सकती जो आप सबको साथ लेकर, सबको साथ लेकर जी। तो इस हुकूमत ने ये किया कि सबको लिया, सूबाई हुकूमत को साथ लिया, मरकजी हुकूमत को साथ लिया, फौज को, रेंजर्स को, सूबाई हुकूमत को। मुझे याद पड़ता है आपसे क्रेडिट भी मांगा गया कि जी हमारा क्रेडिट है इस ऑपरेशन के कप्तान हम हैं, तो कराची ऑपरेशन के कप्तान हम उनको क्रेडिट देते भी रहे क्योंकि हमारा मकसद था कराची को बेहतर बनाना जी। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस मुश्तरका कोशिश से कराची आज
है कि लोग बाहर निकलते हैं, 12, 15, 14 अगस्त को बाहर निकलते हैं, 23 मार्च को बाहर निकलते हैं, ईद के मौके में बाहर निकलते हैं, चांद रात के मौके में निकलते हैं। और माशाल्लाह ये ऐसा शहर है, आप देखिए सेनेटर साहब, आप इस्लामाबाद भी रहते हैं, आपको पता होगा वहाँ पर रात हो जाती है 10 बजे तक सो गए। कराची माशाल्लाह वो शहर है जो सिटी विच नेवर स्लीप्स, 2 बजे 2.5 बजे भी आप निकलो तो आपको ऐसी गहमा गहमी नजर आएगी। और खासतौर पर इस तरह के ईद के जो मौके हैं वहाँ पर तो आप देखें कि बिल्कुल कभी भी ना कभी रश कम होगा, ना कभी दुकानों पर पूरी रात दुकानें खुली, 3 बजे तक भी लोग घूम रहे होते हैं। जीदार कौम है माशाल्लाह, इतनी जीदार कौम है कि वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, चलो थोड़ी सी खुशी मनाना है मना लो, चाहे कुछ हो जाए, तो ये निकल पड़ते हैं। मैं तो पहले भी एक बात आपने बात की है कि जितना जुल्म तशद्दुद और जितना यहाँ पर बिगाड़ हुआ है 20-25 साल में, जितना हमने बर्दाश्त किया है, हमने बर्दाश्त, मैं कहता हूँ कि अगर किसी और मुल्क में या किसी और शहर में होता वो शहर बयाबान हो जाता, लोग छोड़ के चले जाते। बहुत इन्होंने हिम्मत दिखाई है कराची के लोगों को, इनको सलाम है, इनको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जाके मामला ठीक होंगे और सब यहाँ कुछ लोग जाते भी रहे, मुल्क भी छोड़ा, शहर भी छोड़ा, मगर बहुत भारी अक्सरियत है वहीं पर रहे। नहीं सलीम साहब देखें, ये बात हमने कुछ आखिरी जो हमारे लम्हात हैं वहाँ पर ये करना जरूरी होगा, और सीमा साहबा मैं भी आपसे बात करना चाहूंगी, फिर एंड में हमने थोड़ा सा इसके लिए टाइम एक डेडिकेटेड रखना है, मैंने सबका मुंह मीठा कराना है, हमारे जितने इस वक्त ईद पे जिन्होंने हमारी खुशियों को दुबाला किया है, इन रंगों में मजीद 4 चांद लगाए हैं। सीमा साहबा, एक तो आपके अशार भी मुझे चाहिए जरूर कि आप थोड़ा सा इस नोट पे एंड कीजिएगा, और साथ में इस पे अगर थोड़ा सा भी आप कमेंट करती चले कि हम कितनी रेजिलियंट कौम है, हमने ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती, हमें बार बार अंडर एस्टिमेट किया गया, हम फिर भी अपने उभर के सामने आए, हमने पूरी दुनिया को साबित किया कि हम में माशाल्लाह हम फाइटर हैं, हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। मेरे ख्याल में हमारे अंदर जो चीज है, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई और मुल्क होता तो मुल्क बयाबान हो गया होता, शहर नहीं पूरा मुल्क। हम देखते हैं अगर एक जरा सा कुछ होता है, सड़कें सुनसान पड़ी होती हैं उनकी। मुझे तो वो याद है जो वाघा बॉर्डर पर धमाके के अगले रोज उस तरफ वाला एरिया खाली था, हालांकि धमाका इधर हुआ था, अगले दिन उधर का एरिया खाली था और इधर सारे बिल्कुल। ये तो मतलब हमारी मतलब क्या कहें, आदत आदि हो गए हैं, और हिम्मत पैदा हो गई है या क्या, हमें जीने की तमन्ना है, तमन्ना देखिए तमन्ना, हाँ तमन्ना बहुत ज्यादा है, और हम वाकई उसको बिल्कुल ऐसा कर देते हैं कि अगले दिन हमें एहसास भी नहीं होता बच्चों के स्कूल का, नहीं बिल्कुल हम इस करते हैं उसी स्कूल में जाने लगे, स्कूल में जा रहे हैं, और कितना मतलब अगर हमें थोड़ा सा सुकून मिल जाए ना इसी कौम को, आपसे कह रही हूँ जी। अगर इस कौम को थोड़ा सा सुकून मिल जाए, आप यकीन कीजिए ये कौम दुनिया को हरा दे। इस बात को अगर ये हमारे हुक्मरान सरकर्दा लोग अगर इस बात को समझ लें, आप बात कर रहे हैं मुझे इजाजत दीजिए, मैं थोड़ा सा तो मेरे ख्याल में आप सबको मैं सर्व करूं, ताकि ये भी तो हो कि भाई आप आपका मुंह मीडिया पे आए हैं मीठी ईद से। सीमा साहब आप जैसे बात कर रही हैं कि हम कुछ आपके अशार भी मेरा ख्याल है एंड पे इस मौके पे हम अधूरा फील करेंगे, वरना गजल के चंद अशार हैं कि उसने खबर ये दी मेरा आंगन उजड़ गया, मैं सोचती हूँ रात की रानी का क्या, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू। मसला जात का तो था ही नहीं, तुमने तारों से क्यों गवाही ली, वाकया रात का तो था ही ब्यूटीफुल, तुमने तारों से क्यों गवाही ली, वाकया रात का तो था ही नहीं, हम गिला भी किसी से क्या करते, हम गिला भी किसी से क्या करते, कम किसी बात का तो था ही नहीं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आप लोग इतना इतना खूबसूरत नोट है, मेरा ख्याल है
इससे बेहतर कोई हमारा एंडिंग नोट, हमारा वाइंडिंग अप नोट हो नहीं सकता था। और जिस वक्त मैंने कोशिश की है कि थोड़ा बहुत अपने मेहमानों का मुंह भी मीठा कराया जाए और कर लिया आपको, बाकी तमाम जितने नाजरीन हैं और जो हमारा प्रोग्राम इस वक्त अपने घर पे बैठे अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं मुल्क भर में पाकिस्तान से बाहर भी, एक दफा फिर आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपकी खुशियों के अलावा आपके गम में भी बराबर के शरीक, और अल्लाह करे कि जितने लोग इस वक्त किसी भी तकलीफ से किसी भी मुश्किल से दो चार हैं, ये ईद उनके लिए एक पुरमुसरत मौका बने, ये ईद उनके लिए सुकून, उनके लिए सबर, आइंदा ईद उनके लिए खुशियां लेकर आए। थैंक यू आपा। और यहाँ पर जितने वो लोग हैं जो इस वक्त ईद खुशियों से मना रहे हैं और हमारी तरह अपने घरों में बैठ के कुछ मीठा खा रहे हैं, अपना मुंह मीठा कर रहे हैं अपने अजीज अकारिब के साथ, अपने जितने भी बिजी स्केड्यूल हैं उनके वहां से टाइम निकाल के वहां से वक्त अलहदा करके उनके साथ वक्त गुजार रहे हैं और अपने घरों में अपने अजीज अपने रिश्तेदारों के साथ ईद मना रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि आप सबको ऐसे ही लगे कि हम भी आपके साथ आपके ड्राइंग रूम्स में और आपके घर पर मौजूद हैं और आपके साथ ही हमारा हम भी मुंह मीठा कर रहे हैं, हम भी इस ईद उल फितर की मीठी मीठी खुशियों से लुत्फंदोज हो रहे हैं। लास्ट में बिल्कुल सबके वन लाइनर्स मेरा ख्याल है पैगामात हम लोग ले लें। बहुत शुक्रिया हसीना मोइन आपा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ग्रेट किया, आपकी फलसफाना आपकी गहरे इंटेलेक्ट से हम मुस्तफीद हुए। ये तो हमारा घर है भाई, आपका घर है, आपका घर है, यहाँ आके लगता है मैके में आए हैं। माशाल्लाह, इससे अच्छी बात नहीं थी कोई। सेनेटर साहब सलीम जिया साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, बिल्कुल सियासत से बरस आपको इस रंग में इस तरह से इस फ्लेवर में देख के बड़ी दिल से खुशी हुई है। वंस अगेन वेरी ग्रेटफुल। सीमा गजल साहिबा आपने चार चांद लगा दिए अपने अशार से लास्ट में, उसके लिए आपका मैं जितना शुक्र करूं मजीद आपको एक एक्स्ट्रा क्रेडिट, थैंक यू। और आप सबके मेरा ख्याल है लास्ट लाइनर्स, उसके बाद फिर हम सब मिलके अपने तमाम आवाम को जितने भी हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तान के से बाहर लोग हमें देख रहे हैं और हमारे साथ ईद मना रहे हैं, हम सब आप सबको खड़े होकर अलविदा कहेंगे। लेकिन आप सबके लास्ट पैगाम आते से पहले हसीना आपा, ईद का पैगाम मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ अपने नौजवानों से कि खुशी बड़ी थोड़ी सी चीज है, उसको आप हाथों में लें और थाम लें जिस तरह के हम तितली को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये गुजर गई तो फिर दोबारा नहीं मिलेगी। हम जिंदगी में आते हैं पानी की रवानी की तरह, पानी जिस तरह एक दफा आता है गुजर जाता है दोबारा वापस नहीं आता, तो हर दिन हमारे लिए वैसे ही है जो कि गुजरता चला जाता है। तो बच्चों से मैं ये कहूंगी कि आप लोग हर दिन की कदर करें, कोई एक खुशी का काम तो कर लें, किसी को तो खुशी दे दें, बजाय इसके कि आप नाराज हैं एक दूसरे से लड़ रहे हैं जैसे हम देखते रहते हैं। तो इससे मुझे अच्छा लगता है लोग प्यार करना सीख लें, हमें प्यार करना नहीं आता। वाह वाह, बहुत खूब आपा, ऐसे अच्छी क्या बात होगी। सेनेटर साहब आपका क्या पैगाम होगा ईद के अलावा, जैसे वैसे नॉर्मल डेज के अलावा ईद पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये मेरा तो खैर क्या मेरी वो हैसियत नहीं है मैं पैगाम दूँ या लोगों को सबक दूँ, लेकिन मैंने एक चीज महसूस की है, मैं समझता हूँ कि हम सबको चाहिए जिस उम्र में भी हों, बच्चे हों, दबैनी उम्र के हों, बड़ी उम्र के हों, मर्द हों, खवातीन हों, अपनी माँ बाप की जितनी इज्जत कर सकते हैं करें, जितनी इज्जत कर सकते हैं करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब वो चले जाते हैं दुनिया से तो फिर आपको बहुत महसूस होता है कि वो चीज़ मैंने नहीं की, वो चीज़ उनके लिए नहीं कर सका, या उनके लिए जितनी खिदमत हो सकती है। हमें बड़ा अफसोस से होता है कि बहुत बड़े बड़े उहदों पे लोग हैं, हमारे दोस्त भी उनमें शामिल हैं, अजीज वकारिब भी शामिल हैं, मुल्क से बाहर हैं, बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें भी ले रहे हैं, बहुत ऐश से रह रहे हैं, और यहाँ देखते हैं कि उनके वालदैन जो हैं वो बहुत ही एक मेरी सिर्फ बात इतनी होगी कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप से प्यार करें, और क्योंकि ये बड़ा थोड़ा वक्त होता है, क्योंकि उन्होंने आपको बड़ी मेहनत से पाला है और उसका एक दिन का भी आप सिरा नहीं दे सकते, सिर्फ आप उसको कोशिश कर सकते हैं, तो आइंदा आप जितनी उनकी खिदमत कर सकते हैं हम करें। नहीं सेनेटर साहब, आप कह रहे थे कि आप खिताब करने के लिए आप समझ रहे थे कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है आपने जितना जरूरी दर्स और सबक इस वक्त दिया है इन चंद लाइनों में इस वक्त हमारे लिए बड़ा कलीदी था। सीमा गजल साहबा आप बताइएगा आपके क्या लास्ट से लाइनें कहूंगी कि अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करें, बस छोड़ दें सब कुछ, नेगेटिविटी खत्म करने की बात ही छोड़ दें,
आप अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा कीजिए। जब आपके अंदर पॉजिटिविटी का ग्राफ बढ़ेगा तो नेगेटिविटी का ऑलरेडी गिरेगा। बस बहुत में आई थिंक दैट वाज शॉर्ट एंड क्रिस्प। कैसा लगा हमारी ईद की खुशियों का इकोनॉमी इन फोकस ईद शो स्पेशल? हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, हमें जरूर बताइएगा आपका फीडबैक। हम मुंतजर रहेंगे आपके फीडबैक, आपके रिस्पॉन्सेज के लिए। वंस अगेन बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगी सब हमारे जितने दीगर जो मेहमान हैं कि हम लोग एक दफा खड़े होकर अपने तमाम आवाम को एक ईद मुबारक ग्रीटिंग करें। और थैंक यू एवरीवन। शुक्रिया नाजरीन।